नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कान्तिः सिता मृषदनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि गवामि तीर्थे वसतीह गङ्गा पुष्टिस्तथा तत्र जसी प्रवृद्धा लक्ष्मी करीषे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि भूतैर्महद्वीर्यमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलं कृषीश्च भगवान् वचांसि योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्द माधव भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनि चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान सियाराम सदा जोरी जुग पान राधेश्याम सदा जोरी जुग पान जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति पादरायण चरण करहु मोहि जग धन्य पुरी श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री गोविंद देव जी महाराज की जय श्री हनुमंत लाल की जय संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय श्रीदासी श्याम भगवान की जय बस्ती माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय राजा परीक्षित जी महाराज की जय ब्रजेश्वर नंदन भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय नारायण 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 प्रमुख यजमान के रूप में ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज को
कोटि कोटि वंदन। उन्होंने हृदय में प्रेरणा करके इस कथा की भूमिका पूर्ण रूपेण बनाई है। अच्छे काम में विघ्न बहुत आते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि भवन्तेव पुनः पुनः, बार बार विघ्न आएंगे, अच्छा काम आसानी से नहीं होगा। जीवन में ऊपर उठना बहुत कठिन है, गिरना बहुत आसान है। जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और पावर विंडो, तो एक बार स्विच नीचे करते हैं, एक बार में ग्लास आ जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। वाटर पार्क में जाएंगे तो ऊपर से नीचे आने में कितना आसान होता है, लेकिन ऊपर जाने में उतना ही कठिन है। जीवन में उठना कठिन है, गिरना बहुत आसान है। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान की कथा, भागवत कथा, राम कथा, ये कथाएं, इनसे होगा क्या? हमें तो यह पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो, हर घर में आज के दिन मेडिसिन पहुंच चुकी है। एक घर ऐसा बताओ जिसमें मेडिसिन न पहुंची हो। इसलिए मेडिकल वालों की खूब चल रही है दुकानें। हर घर में अगर औषधि दवाइयां पहुंची हुई हैं, तो हर घर में दुख भी पहुंचा हुआ है। कोई ऐसा घर बताओ जहां कोई दुख ना हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया संतन का दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधु कोई घर नहीं सुना। एक घर ऐसा नहीं जहां दुख नहीं। तो कथा की आवश्यकता क्यों है? कथा से जीवन का दुख दूर हो जाता है, कथा से जीवन का दुख दूर हो जाता है। तो कोई प्रमाण आपके पास में है? केवल कह ही रहे हो कि कथा से जीवन का दुख दूर हो जाए। हम सामान्य मनुष्य की बात क्या करें, स्वयं राघवेंद्र सरकार की भार्या मां जानकी जब अशोक वाटिका में दुखी बैठी है, त्रिजटा से कहती है कि कोई अग्नि ला करके दे दे, अशोक वृक्ष से कहती है मेरा शोक दूर कर दो, कम से कम नाम तो अपना सत्य करो। इतनी दुखी जानकी जी बैठी है माता। उस समय हनुमंत लाल ने श्री राम जी की कथा ही उनको सुनाई। राम चंद्र गुण बरने लागा, राम चंद्र गुण बरने लागा, सुनतहिं सीता कर दुख भागा, सुनतहिं सीता कर दुख भागा, राम चंद्र दुखों को दूर करने के लिए भगवान की कथा सार्थक हो सकती है, तो हम सब सामान्य प्राणियों के जीवन के दुखों को दूर करने के लिए भगवान की कथा काम नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि कथा का चमत्कार दिखा दो हमें, कथा से कुछ चमत्कार दिखाओ। एक बात मैं कहूंगा, सब्जी खराब ना हो जाए तो कहां रखते हैं? फ्रीज में।
राशन खराब ना हो जाए फ्रीज में, दही खराब ना हो जाए फ्रीज में, और आजकल तो डीप फ्रीज आ गई है, एक एक महीने तक कुछ खराब ही ना हो, 15-15 दिन 20-20 दिन घर में बना करके रख दो खराब ही नहीं हो। कभी विचार किया है सब्जी खराब ना हो जाए हमारे पास में ऑप्शन है, राशन खराब ना हो जाए ऑप्शन है, कभी सोचा है इंसान खराब ना हो जाए इसके लिए क्या ऑप्शन है? इंसान खराब ना हो जाए इसके लिए कभी कोई विचार कोई नहीं करता, और आज देखें तो इंसान ही बिगड़ रहा है, मानव की मानवता खो रही है, इंसान की इंसानियत खो रही है, मानव धर्म खो रहा है, जिसकी चर्चा हमारे पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। आज उम्र हो गई है 40 साल, जरा विचार करो 45 साल, विचार करो आज से 20 साल पहले क्या स्थिति थी, क्या एका था, किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार से आत्मीयता थी, आज कहां गई वो आत्मीयता? दुनिया के लिए सामने भले ही एक जैसे हो, हमारी स्थिति ऐसी है कि बाहर से हम संतरे की तरह हैं, एकदम एक दिखते हैं, लेकिन अंदर इतनी फांकें हो रखी है कि अगर एक बार बाहर का आवरण हटाओ तो अंदर की फांकें भी दिख जाएंगी। मानव की मानवता जा रही है, इंसान की इंसानियत जा रही है, इसलिए कथा की आवश्यकता है। लोग कहें कि कथा से कितनों कितने लोग सुधरे, सुधरे भी बहुत हैं, लेकिन कथा का मूल उद्देश्य बिगड़ने से बचाना है, हम बिगड़ ना जाएं, हम गलत पथ पे ना चले जाएं, हम अपने धर्म से च्युत ना हो जाएं। आज सुबह भूमिका में मैंने एक बात कही थी, आंख अपना धर्म नहीं छोड़ती, कान अपना धर्म नहीं छोड़ते, सिंह पशु पक्षी अपना धर्म नहीं छोड़ते, अरे मानव हमने अपना धर्म क्यों छोड़ दिया? सिंह को घास खिला करके देखो, घास खाएगा ही नहीं, वो अपना धर्म नहीं छोड़ता, और हम मानव अपना धर्म छोड़ रहे हैं, हमने भजन छोड़ दिया, हमने सत्संग छोड़ दिया। दुनिया में सब चीज बार बार मिल जाएगी लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। लिखा है शास्त्र की वाणी, तात मिली, तात मिली पुनि मात मिली, सुत भ्रात मिली जुवती सुखदाई। मां भी मिल जाएगी, कोई आदमी की पत्नी चली जाए, बच्चा हो घर में, वो दूसरी शादी कर ले, उसको तो मां मिल गई। मात मिले पुनितात मिले, किसी का आदमी मर जाए वो शादी कर ले तो बच्चे को बाप मिल गया। सुत भ्रात मिले, बच्चे पैदा हो जाए, बच्चे भी मिल जाए, भैया भी मिल जाएगा, जुगती सुखदाई पत्नी भी मिल जाएगी। लोक मिले विधि लोक मिले, परलोक मिले बैकुंठ जाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। दुनिया में दुर्लभ क्या है? सुंदर और मिले सब ही सुख, दुर्लभ संत समागम भाई, दुर्लभ संत समागम भाई। दुनिया में सबसे दुर्लभ है संतों का समागम। हम तो यही कहेंगे कि आज महाराज जी भी पधारे हैं, ये दुर्लभ समागम ही हमको प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवत कृपा से सत्संग मिलता है। और एक बार नहीं, महाराज जी ने कहा तीसरी पीढ़ी हो गई करते करते, हकीकत है आगे प्रभु कृपा होगी तो चौथी भी तैयार हो जाएगी, जैसी उसकी इच्छा है। लेकिन लोग कहें कि बार बार कथा को सुनना क्यों? शास्त्रों की एक बात है, अगर कथा में बार बार दोहराई कोई चीज जावे तो दोष नहीं होता। संस्कारों के बनाए रखने के लिए अगर एक ही बात को बार बार भी कहा जाए तो दोष नहीं है। लिखा है शास्त्र में महाराज, शुक्ल यजुर्वेद में उपवट भाष्य में लिखा है स्पष्ट,
कि संस्कारोज्वलनार्थम, संस्कारोज्वलनार्थम हितम च पथ्यम च पुनः पुनः रूपदृश्य मानम न दोषाय भवती थी। संस्कारोज्वलनार्थम, संस्कार के उज्ज्वल के लिए, संस्कारों को बनाए रखने के लिए, हितम कल्याण के लिए, च पथ्यम च पुनः पुनः रूपदृश्यमानम न दोषाय भवती थी। बार बार उपदेश करना दोष नहीं होता, इसलिए कथाएं बार बार भी हमें अगर प्राप्त हो रही हैं तो ये भगवत कृपा है। आओ इस कथा में हम प्रवेश करें, उससे पूर्व गोविंद देव जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हुए और उसके बाद में इसमें प्रवेश करें। इस स्तोत्र का नाम है श्री गोविंदाष्टकम। यह स्तोत्र हमारे वैदिक यात्रा गुरुकुल के संरक्षक वेदाध्यनिक विषयाचार्य पंडित श्री गंगाधर पाठक जी का स्वरचित है, उसी को लेकर के हम यहां पर गोविंद देव जी के चरणों प्रणाम करते हैं। दिव्याति दिव्य प्रणितम परशोभमानम राधा मनोहर मुख स्मित मोदमानम गोपाल लाल ललना परिसीप्यमानम गोविंद देव मनिषम मनसा स्मरामि। सौंदर्य माधुर्य महासमुद्र गोविंद
रक्षार्थ विराजमानम् राधा समेतम् विधि वंद्यमानम् गोविंद देवम् मनसा स्मरामि गोविंद देवा भगवद्गीयम् गंगाधरेणा हरम् प्रणीतम् यस्येवते गोविंद देवस्य कृपा विशेषा अस्मिन् महामोहकराल काले विभिन्न वाता मय दुःख जाले सम्यक् योद्धार कथा प्रसंगे गोविंद देवं मनसा स्मरामि श्रीमद्रजेन्द्रस्य गृहे मतीर्णम् साक्षात् परब्रह्म परात्मतत्त्वम् गोपालकृष्णम् श्रुतिभिर्युगमकम् गोविन्ददेवम् मनसा स्मरामि मनसा स्मरामि गोविंद देवं मनसा स्मरामि गोविंद देवं मनसा महाराज की जय। ये पहली प्रस्तुति गोविंद देव जी महाराज के चरणों में समर्पित। नारायण 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 नारायण। कोई भी वस्तु यदि आपके मन में सुनने की इच्छा है तो सबसे पहले उसका महात्म्य सुनना चाहिए। नारायण। जब तक महात्म्य श्रवण नहीं करेंगे उस वस्तु में आपकी श्रद्धा नहीं होगी, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो आगे भक्ति तक पहुंचने का क्रम ही प्रारंभ नहीं होगा। आदौ श्रद्धा, सबसे पहली शुरुआत श्रद्धा से होती है। जैसे बिना 3D चश्मे के आप कोई 3D मूवी का आनंद नहीं ले सकते, 7D मूवी के चश्मे के बिना आप 7D मूवी का आनंद नहीं ले सकते, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास के चश्मे के बिना आप भगवत दर्शन नहीं कर सकते। दो चीज आवश्यक हैं, श्रद्धा और विश्वास। शंकर ही विश्वास है और पार्वती ही श्रद्धा है। श्रद्धा सुनती है और विश्वास बोलता है। वक्ता वक्ता नहीं कहता, वक्ता के भीतर भगवान के प्रति जो विश्वास है वो कहता है, और श्रोता श्रोता नहीं सुनता, श्रोता के भीतर बैठी हुई उसकी मति में बुद्धि में बैठी हुई श्रद्धा ही सुनती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो यहां बैठ करके भी कथा अपने भीतर नहीं बैठ पाएगी। आप लोग कई बार देखते हैं कि कथाएं तो इतनी होती, लोगों के जीवन में सुधार ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं। इतनी कथाएं हो, इतना धर्म हो, श्रद्धा ही नहीं है तो शुरुआत ही नहीं है। मलिन बुद्धि लेकर के कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। इसलिए कथा सुनने में सदैव वक्ता एक बात कहते हैं, सावधानतया श्रुणु। ये सावधानतया श्रुणु का अर्थ ही यही है कि मलिन बुद्धि लेकर के कथा को श्रवण मत करना। सावधानतया श्रुणु का अर्थ है कि कहीं मात्सर्य लेकर के कथा को मत सुनना, भीतर मात्सर्य मत्सरता नहीं आ जाए। मात्सर्य किसे कहते हैं? गुणेशु दोषा विष्करणम असूया। असूया कहते हैं गुण में भी दोष देखना। जैसी चर्चा मैंने की, ये भागवत पोथी से होगा क्या, स्वर्ग थोड़ी मिल जाएगा, ये है गुण में भी दोष देखना।
जब तक असूया बुद्धि लेकर के कथा सुनोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान तो अनसूया को मिलते हैं, असूया को नहीं मिलते। नसूया यस्यासा असूया, जिसमें ये भाव नहीं है वह तो सर्वत्र केवल भगवत दर्शन करता है। जिसमें यह भाव है कि अच्छाई तो बहुत दिख रही है लेकिन फिर भी दोष निकाल रहा है। हाँ कथा तो ठीक करते हैं लेकिन गाते बहुत हैं, कथा तो सब ठीक है लेकिन संगीत बहुत है। हम हकीकत बताते हैं, महाराज श्री यहां पर बैठे हैं, हम तो बिना संगीत के कथा करने वाले वक्ता हैं। ये दादा गुरु जी का आशीर्वाद है, लेकिन ऐसे श्रोता नहीं मिलेंगे अभी जल्दी, ऐसे श्रोता जल्दी नहीं मिलेंगे। अगर वैसी कथा सुननी हो, क्योंकि अभी हमने वृंदावन में ही कथा में केवल आधा घंटा दादा गुरु जी की शैली में कथा बोल दी बिना संगीत के। अब वो सुन तो रहे तो आंख ऐसी देखते रहे हमको, और थोड़ी देर बाद में अभी गुवाहाटी के लोग ही अगर वो इस कथा को सुन रहे होंगे तो तुरंत स्मरण आ जाएगा। हमने कहा कथा को समझ में आ रही है, महाराज जी आप तो अपनी वाली शैली में ही बोल दो, थोड़ी थोड़ी बच्चे नहीं समझ पाते। और हकीकत है, आज के उदाहरण जैसे ये 7D और 3D का उदाहरण देना जरूरी था, अगर हम प्राचीन उदाहरण दें तो नहीं समझ पाओगे। अभी एक उदाहरण देता हूं, पहले के समय तो भागवत में लिखा है सूर्य नारायण की आराधना करके सत्रह जितने एक मणि प्राप्त की थी जो 8 भार सोना रोज पैदा करती थी। अब 8 भार सोना पैदा करती थी को समझाओ बताओ 8 भार कितना, आज की पीढ़ी को भी समझ में नहीं आएगा 8 भार, समझ पाओगे? पुराने आकलन जो तोल के थे, अब हमको तो खुद को इतने शब्द स्मरण अभी नहीं आ रहे हैं, पुराने तोल के शब्द थे कि रत्ती और भी और शब्द होते थे, है? एक मासा एक कहते कि क्या कहते उसे मासा, है? मासा, आज की बताओ पीढ़ी को मासा समझ में आएगा शब्द? नहीं आएगा। उसको आज के तरीके से समझाना पड़ेगा, तत्व वही हो तरीका नया हो, आवश्यक है। ये वक्ता को स्वतंत्रता दी गई है, गा बजाने की बात नहीं, समझाने की बात। उतरे कैसे नारायण भगवान को जानना हो तो भगवान स्वयं वेद्य है, पर वेद्य नहीं है। भगवान को जानने के लिए एक बहुत बढ़िया बात, क्या मन से भगवान को जाना जा सकता है? तो सुनो, मन से जो चिंतन किया जाता है, जो कुछ भी मन से, वो मन के विषयों का चिंतन है, भगवान का चिंतन नहीं है। आप मेरी बात पे ध्यान देना, मन से जिस किसी का भी चिंतन किया जाएगा वह मन के विषयों का चिंतन होगा, भगवान का चिंतन नहीं होगा, परमात्मा का चिंतन नहीं होगा। बुद्धि से जो निश्चय किया जाएगा वे बुद्धि के विषयों का निश्चय हो सकता है, परमात्मा का निश्चय नहीं हो सकता। तीसरी बात, जो कुछ इस वाणी से भी कहा जाता है वे वाणी के विषयों का वर्णन हो सकता है, परमात्मा का वर्णन नहीं हो सकता। मन बुद्धि और वाणी, तात्पर्य यह है कि मन भी और बुद्धि भी और वाणी भी ये प्रकृति के कार्य का चिंतन करते हैं, ये प्रकृति का कार्य है, इन्हीं का चिंतन होता है, इन्हीं का निश्चय होता है और इन्हीं का वर्णन होता है, परंतु परमात्मा न तो मन से जाना जा सकता है, न बुद्धि से जाना जा सकता है, न वाणी से पहुंचा जा सकता है परमात्मा तक। मन बुद्धि और वाणी इन तीनों से परे जो सत्ता है उसका नाम परमात्मा है।
जब इस वाणी से, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इस वाणी से हम अपने जीवन में अनुभव की हुई वस्तु को भी वर्णन करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, अनुभव को भी, तो क्या परमात्मा अनुभव का विषय है? नहीं। परमात्मा किसका विषय है? परमात्मा अनुभूति का विषय है, अनुभव का नहीं। अनुभव संसार का हो सकता है, जगत का हो सकता है, लेकिन अनुभूति जगदीश की होगी। अनुभव बाहर से होता है, अनुभूति भीतर से होती है। अब ये जो कठिन विषय है, कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? बताओ, नई पीढ़ी यहां पर कुछ बैठी है, थोड़ा कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर समझ में आए तो समझना, ये हम कठिन तरीके से चल रहे हैं अभी। शास्त्र की बात है कि जो वाणी से बोला नहीं जाता, बल्कि वाणी जिससे बोली जाती है वो भगवान है। वाणी से जो बोला नहीं जा सकता, बल्कि वाणी जिसके द्वारा बोली जाती है वो भगवान है। वाणी से बोले जाने वाले तत्व को लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, वह वाणी का ही विषय रहेगा। शास्त्रों का वाक्य है, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। किनोपनिषद यह बात लिखी है, जो मन से नहीं जाना जाता, बल्कि मन जिसके द्वारा जानता है उसी को तू ब्रह्म जान। वाणी जिसके द्वारा बोल नहीं सकती, वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती, जिसके द्वारा बोली जाती है उसी को तू भगवान जान। मन जिसका, जिसके द्वारा कोई, जिसके द्वारा चिंतन करता है उसको ही तू भगवान मान, वही भगवान है। मन उसका चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन मन जिसके द्वारा चिंतन करता है तो भगवान। आंख जिसके द्वारा देख सकती है वो भगवान। वाणी भी जिसके द्वारा बोली जा सकती है वो भगवान। शब्द भी भगवान तक पहुंच नहीं सकते। शाखा चंद्र न्याय के द्वारा उस भगवान का केवल ज्ञान कराया जा सकता है। भगवान शब्दातीत है, शब्दातीत का अर्थ समझते हो ना, शब्द से परे है। भगवान शब्द से परे है। दो भगवान के स्वरूप हैं, एक शब्द ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो हम गोविंद देव जी भगवान का दर्शन करते हैं, ये पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म रामायण, भागवत, गीता, ये शब्द ब्रह्म है। वो पर ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म, दोनों में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पर ब्रह्म की अपेक्षा भी शब्द ब्रह्म का आश्रय वो ज्यादा महान है। कारण, क्योंकि शब्द ब्रह्म के द्वारा ही उस पर ब्रह्म को जाना जा सकता है। आज हम जिस मंदिर से भगवान का विग्रह, भागवत का विग्रह लेकर के आ रहे थे, क्या नाम था उस मंदिर का? आनंद। आपने गौर किया, गोविंद देव जी महाराज का विग्रह और उनका विग्रह दोनों समान था। वही झांकी, वही स्वरूप, वही चंदन, लेकिन इनको गोविंद देव जी और उनको क्यों? दोनों का स्वरूप एक जैसा है, ये कैसे पता लगा कि ये गोविंद देव जी हैं और वो आनंद महाराज, आनंद कृष्ण महाराज, आनंद कृष्ण, आनंद बिहारी, आनंद बिहारी, ये राधा गोविंद है, वो आनंद बिहारी है। अगर हम दोनों के विग्रह को सामने रख दें तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आनंद बिहारी भगवान और राधा गोविंद, गोविंद देव जी महाराज, इन दोनों का परिचय कौन कराता है? शब्द। इसलिए परब्रह्म से भी अगर श्रेष्ठ की बात हम ऊपर करें तो शब्द ब्रह्म।
जो परब्रह्म का ज्ञान कराता है, लेकिन शब्द ब्रह्म भी उस परब्रह्म को पकड़ नहीं सकता, उसका वर्णन पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसलिए वेद में न इति करके, नेति नेति करके कहा, इसका अंत नहीं। शब्द के द्वारा शाखा चंद्र न्याय के अनुसार केवल उसका ज्ञान कराया जा सकता है। शाखा चंद्र न्याय क्या है? जैसे माताएं व्रत करती हैं करवा चौथ का, अब चांद देखे बिना नहीं खाएंगी, बच्चों को लगा देती है, क्योंकि सुबह से शाम तक तो बेचारी हताश हो जाती है, तो बच्चों को लगा देती है कि चंदा दिख जाए तो बेटा बता देना। बार बार बच्चे दौड़ करके जाते हैं, माताएं कहती है जा बेटा देख, बच्चा दौड़ के आता है, नहीं निकला चांद, नहीं निकला चांद। फिर पंडित जी को फोन मिलाती है, पत्रा में बताओ चंद्रमा कब निकलेगा। हर तरह के उपाय आजकल तो गूगल कर लेते हैं, कब निकलेगा, बहुत उपाय किए। अचानक बच्चा दौड़कर आया, बोले चांद निकल आया। दौड़ करके माताएं गई उस चांद को देखने के लिए, चांद दिखाई नहीं दे रहा। कहां है? अरे वो रहा। अरे बेटा कहां है, हमें तो दिख नहीं रहा। वो पीपल का पेड़, वो तो वो रोज देखते हैं, उस पीपल के पेड़ को देखो और ऊपर देखो, वो शाखा दिख रही है नीचे वाली, हाँ हाँ वो नीचे वाली शाखा का देखो। अरे दिख गया दिख गया दिख गया। शाखा को दिखा करके चंद्रमा का दर्शन करा देना, इसका नाम है शाखा चंद्र न्याय। शाखा को दिखाकर चंद्रमा दर्शन करा दिया, शब्द नहीं तो कराया, पेड़ देखो शाखा देखो, लेकिन वह शब्द चंद्रमा तक पहुंच पाया। ऐसे ही भगवान है, शब्द के द्वारा उसका उसका ज्ञान जरूर कराया जा सकता है, लेकिन वह भी पूर्ण रूपेण नहीं। इसलिए लिखा है वाचा वदत यत किंचित संकल्प ही कल्पते च यत मनसा चिन्त्यते यत यत सर्वं मिथ्या न संशयः। वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह मन के द्वारा चिंतन करना, वाणी के द्वारा बोलना, बुद्धि के द्वारा निश्चय करना, यह मिथ्या है, इसमें संशय नहीं है। मिथ्या का अर्थ झूठा नहीं है, मिथ्या का अर्थ है कोई कहे भगवान ऐसे ही हैं, उस बात को हम नहीं मान सकते। भगवान तो ऐसे भी हैं, भगवान तो वैसे भी हैं, भगवान तो कैसे कैसे भी हैं, हर तरह से भगवान है। उदाहरण के रूप में एक गांव अंधों का, उसमें सारे अंधे रहते। एक बार एक हाथी वाला आया, गले में घंटी थी हाथी के, महावत हाथी पर बैठकर आवाज लगा रहा था, हाथी वाला टन 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 टन, हाथी वाला टन 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 टन। सारे के सारे अंधे दौड़े, अरे बोले हाथी वाले भैया हाँ एक बार रोको, क्या क्या क्यों रोके? बोले हमें हाथी देखना है, हमें हाथी। अरे तुम तो अंधे हो, तुम कैसे देखोगे? अरे हम हाथ से देखेंगे हाथी को, अंधे भी तो देखते हैं, हाथ से देखते हैं। तो कहा देख लो, एक ने सूंड पकड़ी हाथी की, आ हा 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 अच्छा, एक ने पांव पकड़ा हाथी का, एक ने पूंछ पकड़ी हाथी की, एक ने माथा, आ ठीक। अब आ गए हाथी वाला, आगे बढ़ लिया, आपस में अंधे बात करते हैं। जिसने पांव पकड़ा था वो कहता, जानते हो हाथी कैसा था? बोले कैसा? गोल गोल खंबे के समान था, एकदम गोल। जिसने पूंछ पकड़ी थी वो कहता, अरे नहीं ऐसा भगवान, ऐसा हाथी थोड़ी था। बोले फिर हाथी तो महाराज ऐसा था, रस्सी के समान था, नीचे बाल लगे हुए थे, पूंछ पकड़ने वाले ने ऐसा कहा। तीसरा जिसने सूंड पकड़ी थी वो कहता, एकदम गलत, ऐसा नहीं था। बोले फिर वो तो पेड़ की शाखा के समान था, उसमें दो छेद और हो रहे थे। माथा पकड़ने वाला कहता, नहीं नहीं सब गलत बोल रहे हो, चबूतरे के समान था। अब बताओ इनमें से कोई गलत कह रहा है क्या? अब हुआ क्या, झगड़ा हो गया, सबके अलग अलग गुट बन गए, चबूतरे वाला ग्रुप अलग बन गया,
खम्मे वाला ग्रुप समूह अलग बन गया। एक दिन उस गांव से बाहर गया हुआ एक व्यक्ति आता है, वो अंधा नहीं है। वो आया तो देखा, अरे भैया गांव में बड़ी शांति है, क्या बात है? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई, हाथी आया था तब से आपस में बोलते ऐसा ऐसा, सब अपने अपने गुट बन गए। तो वो सोचता है कि इससे बढ़िया तो तभी था जब हाथी नहीं आया था, कम से कम आपस में प्रेम तो स्नेह तो था। हाथी के आने से सब लोग अलग अलग फाड़ हो गए, अटक गुट बन गए, दल बन गए। तीन तरह के लोग हैं, एक कहता है भगवान ऐसा है, एक कहता है भगवान ऐसा है, एक कहता है भगवान निर्गुण निराकार है, एक कहता है भगवान सगुण साकार है। और एक व्यक्ति ऐसा है वो कहता है, अरे बोले निर्गुण निराकार और सगुण साकार को लेकर इतने झगड़े हो रहे हैं, न भगवान निर्गुण निराकार है न भगवान सगुण साकार है। बोले जिसको लेकर इतना झगड़ा हो वो तो बिल्कुल बेकार है। तीन तरह के गुट बन गए। एक दिन हाथी वाला फिर से आया, लोग दौड़े, हाथी वाला। बोले भैया एक बार रोको। अरे भैया क्यों? बोले देखना है। बोले पहले भी तो देखा था। बोले जब देखा था तभी तो झगड़े हुए थे। तो आंख वाले ने कहा, भाई झगड़े इस बात को लेकर हो रहे हैं। ये कहता है हाथी कैसा है, बोले पेड़ की शाखा के समान है। दूसरा कहता है चबूतरे के समान है। तीसरा कहता है खंबे के समान है। एक कहता रस्सी के समान नीचे बाल लग रहे हैं। हाथी है कैसा? नारायण, हाथी है कैसा? तो महावत ने कहा, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, भाव चबूतरे के समान भी है, रस्सी के समान भी है, यह तो खंबे के समान भी है। झगड़ा कब होता है भगवान को लेकर के? बोले अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है जब एक ही हाथी है? हाथी दस है, बीस है, बोले एक है। बोले अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? झगड़ा हो गया। बोले झगड़ा अंधों में ही होता है, आंख वालों में कभी नहीं होता। जिसके विवेक की दृष्टि फूटी हुई है, ज्ञान की आंखें फूटी हुई है, भगवान को लेकर झगड़ा उन्हीं का होता है कि भगवान ऐसा है, कि भगवान ऐसा है, कि भगवान कैसा है। लेकिन जिसकी आंख है वो कहता है भगवान ऐसा भी है, भगवान ऐसा भी है, भगवान ऐसा भी है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान को जैसा बोला बनाना चाहो बन जाएगा। उससे कोई कह दे कि तुम सामने सरकार हाथ में धनुष बाण लेकर के आ जाओ तो राम बन करके आ जाते हैं। कोई कह दे नहीं 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 ऐसे मत आओ, बोले फिर तुम तो बांसुरी लेकर के आ जाओ तो भगवान मोर पंख लगाकर आ जाओ तो ठाकुर कृष्ण बन करके आ जाते हैं। कोई कहता ये सब तो बहुत अच्छे रूप हैं, एक काम करो हम देखना चाहते हैं तुम सूकर रूप में कैसे लगोगे, एक बार उस रूप में आ जाओ तो ठाकुर उस रूप में भी आ जाते हैं। जैसा भक्त भावना का आकार देता है भगवान उसी आकार को धारण करके आते हैं। यद यद ध्यात उरुगाय विभावयंती तत्तत् बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। बुद्धि मन भाव जैसा जैसा भगवान को कहता है। अच्छा देखो गुड़िया के बाल किसने खाए हैं? हाँ एक दो लोगों ने ही खाए हैं गुड़िया के बाल। अच्छा एक बात बताओ, गुड़िया के बाल में हाथी खाया है नहीं खाया? नहीं। चिड़िया? नहीं, फिर तो तुमने नहीं खाया। हाँ गुड़िया के बाल वाला केवल वो पैकेट में नहीं आता गुड़िया के बाल लेकर के, एक और लेता है, सांचा रहता है उसके पास। सांचा देखा किसी ने गुड़िया के बाल के पास सांचा? तो उससे कहते हैं हमें तो ऊंट खाना है, तो ऊंट का सांचे ढाल देता है, बना देता है, लो जी ऊंट खाओ। हमें तो बंदर खाना है, बंदर बना देगा। कोई पक्षी खाना है, पक्षी बना देगा। जैसा जैसा सांचा होगा वैसा वैसा गुड़िया के बाल का आकार हो जाएगा। तो हमारी बुद्धि हमारा मन भगवान को जिस आकार में देखना चाहता है भगवान उसी आकार में साकार बनकर, निर्गुण निराकार ही साकार बनकर के सामने आ जाता है। देखो
इसी का नाम परमात्मा है। आज महात्मा की चर्चा हम कर रहे हैं, पहले जानना है उसे, वो है कैसा। निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों ही हैं, लेकिन हमारे निम्बार्क संप्रदाय में निर्गुण निराकार नहीं मानते। वो तो कहते हमारा भगवान निर्गुणिया नहीं है महाराज, हमारा तो भगवान सगुण साकार है, खेलता है, गाता है, बोलता है, तो हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी की वाणी है, निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा, निर्गुण सगुण सगुण ही सगुण नहीं कछु भेदा, निराकार सगुण साकार में कोई अंतर नहीं। अब भगवान को जानना क्यों है, एक बहुत बढ़िया बात, सुनना क्यों है, बोले समझने के लिए। समझना क्यों है, बोले सुलझने के लिए। सुनना क्यों है, समझने के लिए, और समझना क्यों है, सुलझने के लिए। सुलझे ही नहीं तो समझा क्या, और समझे ही नहीं तो सुना क्या। हमारे जीवन की उलझने दूर हो जाएं, इसलिए सुनना जरूरी है। जीवन का रास्ता हमें मिल जाए कि किस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है, इसलिए सुनना जरूरी है। देखो कोई कितना भी कहे कि हम तो भगवान को चाहते हैं, भगवान से हम कुछ नहीं मांगते, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि आप भगवान से कुछ नहीं मांगते। अच्छा कौन कौन भगवान से कुछ नहीं मांगता, वो हाथ ऊपर करे। ओह क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, घर में ऐसा कौन है जो ये आरती नहीं करता है, ओम जय जगदीश हरे, कौन नहीं करता है, करते हो कि नहीं करते हो। जिन जिन ने अभी हाथ उठाए हैं कि हम भगवान से नहीं मांगते, वो ओम जय जगदीश हरे करते हैं कि नहीं करते, आरती करते हो ना। अच्छा एक विचार करो, उसमें हम क्या कहते हैं, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी संपत्ति घर आवे, सुख वैभव घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती करते हो कि नहीं करते। अभी जिन जिन ने हाथ उठाया, हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते, इसमें मांगना नहीं है तो है क्या, सब तो मांग रहे हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कामना जिसके मन में ना हो, सबके मन में कोई ना कोई कामना है। भगवान से भी यदि ये कहो कि हे भगवान मेरे मन में कोई कामना ही उत्पन्न ना हो, तो ये भी अपने आप में एक कामना है। नारायण तो भागवत सारी कामनाएं पूरी करने की सामर्थ्य रखती है। एक कल्प वृक्ष है, स्वर्ग बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग की संपदा तो कल्प वृक्ष भी दे देगा स्वर्ग का, लेकिन भागवत तो गोविंद को उठा करके तुम्हारी गोद में बैठा देगी, या तुमको ले जाकर गोविंद की गोद में बैठा देगी। ये भागवत की सामर्थ्य है। इससे बड़ी चीज और क्या होगी कि भगवान तुम्हारे आगे प्रकट हो जाए।
इससे बड़ी चीज क्या होगी। भागवत का सबसे पहला सूत्र है, भागवत करती क्या है, तो भागवत सब कुछ कर सकती है जो भगवान करते हैं, वो भागवत भी करने की सामर्थ्य रखती है। और साथ में एक बात और, भागवत वो भी कर सकती है जो भगवान स्वयं नहीं कर सकते। इससे बड़ी बात और क्या होगी भागवत की। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहि दाना, जीवन की गरीबी है, आओ भागवत की शरण में, जीवन की गरीबी दूर हो जाए। काम व्यापार धंधा नहीं चल रहा है, मार्केट ठप्प पड़ गया है, आओ भागवत की शरण में। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहि दाना, संसार की माया में फंसे हुए हो, बचना चाहते हो, आओ भागवत की शरण में। माया पिशाची परिमर्दिता, संसार सागर से पार जाना चाहते हो, आओ भागवत की शरण में। संसार सिंधु परिपातिता, अपना परम कल्याण चाहते हो तो भी आओ भागवत की शरण में। क्षेमाय वही भागवतम प्रगर्जति, ये गर्जना नहीं कर रही, प्रगर्जति, आओ मेरी शरण में। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे दादा गुरु जी, उनके पिता उनको 6 महीने का छोड़ के चले गए थे। जब दादा गुरु जी 6 महीना के थे तो उनके पिता छोड़ के चले। जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति से उन्होंने जिया है, हमने उनके मुख से भी सुना है और उनके बराबरी वालों के मुख से भी हमने सुना है, जिन्होंने उनका वह काल समय देखा है हमने उनके मुंह से भी सुना है। सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। काशी में परम पूज्य श्री राममूर्ति पौराणिक जी से उन्होंने विद्या अध्ययन किया जाकर के भिक्षा मांग करके ब्रह्मचर्य में पाते थे। हमको तो कुछ समय पूर्व पता लगा, महाराज काम कोई बुरा नहीं होता अगर ईमानदारी से किया जाए, पान भी बनाने का काम किया है। जीवन की ऐसी स्थिति थी, दादा गुरु जी बोलते कि बड़े भैया हमारे पंडागिरी का काम करते थे, पंडिताई उस समय की, उस समय के पंडित भी पंडित होते थे, तो कहीं से कुछ जब लेने यजमान से रुपया तो बैठते थे। एक दिन नहीं थे तो दादा गुरुजी को कहा कि तुम चले जाओ, अपना ही रुपया लेने के लिए 2 घंटे बैठना पड़ा, तब जाकर के महाराज वो 2 रुपया मिला जाकर। ऐसी गरीबी से जीवन जिया और उसके बाद में कहते जब भागवत की शरण ली है तो भागवत ने ऐसा ऊंचा उठाया, ऐसा ऊंचा उठाया कि उस समय गरीबी में पढ़ते थे, आज ना जाने कितने गरीब बच्चों को, कितने ब्राह्मण बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराने का विद्यालय चल रहा है। ये 56 भोग, जिनके पग में भागवत की कृपा नहीं तो क्या है, जिनके पग में पन ही न जुड़े, जिनके पैर में पहनने को चप्पल नहीं थी, तीन हाथिन पीठ चढ़ाई दिए हैं। जब शोभा यात्रा निकलती है तो बड़ी बड़ी बग्गियों में निकलती है, आज ही देखो गधे पर बैठने की औकात नहीं थी और बग्गी पर बैठा दिया। ये कृपा नहीं तो और है क्या, ये भागवत की कृपा नहीं तो और है क्या। हाथी पर सवारी निकलती है, जिनके पग में पन ही न जुड़े, तीन हाथिन पीठ चढ़ाए दिए हैं, और जिनके घर में नहीं अन्न जुड़े, खाने के लाले पड़े थे, तीन 56 भोग जमाए दिए हैं, भंडारे चल रहे हैं, जरा भंडारे चल रहे हैं, जिनके पग में पन ही न जुड़े, तीन हाथिन पीठ चढ़ाए दिए हैं, जिनके घर में नहीं अन्न जुड़े, तीन 56 भोग जमाए दिए हैं,
तुलसी सतकोटि प्रणाम तुम्हें। हे तुलसीदास जी, तुम्हें तो 100 करोड़ प्रणाम है, जो ऐसी कविताएं बनाए दिए हैं, ऐसी रामचरितमानस, हे वेदव्यास ऐसी भागवत, तुलसी सतकोटि प्रणाम तुम्हें, ऐसी कविताएं बनाए दिए हैं कि द्वापर में एक व्यास भये, लेकिन कलि कोटिन व्यास बनाए दिए हैं। कलयुग में करोड़ों व्यास हो गए, ये कृपा नहीं तो और है क्या भागवत की? नारायण, तो भागवत के इस महात्म में, महात्म का अर्थ गंगा नहीं, गया नहीं, काशी नहीं, प्रयाग नहीं, सर्वोपरि जिसका वर्णन है, सबसे ऊंचा जिसका एक्सप्लेनेशन है, उसको महात्म कहते हैं। देखो आप ऐसे समझ लो, जब भागवत का महात्म है तो उसके आगे गंगा भी फीकी, यमुना भी फीकी, उसके आगे गोदावरी भी फीकी, अगर भागवत के महात्म की बात आवे तो। जिसका महात्म हो रहा है उस समय उसी की सबसे बड़ी महिमा है। उदाहरण के रूप में, जिस दूल्हे का ब्याह है, तोरण तो वो ही मारेगा, चाहे कितने भी बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति हो साथ में बराती के रूप में, लेकिन आरता तो उस दूल्हे का ही उतरेगा, उसका ही पूजन होगा। तो जिसकी महिमा है, जिसका महात्म्य है, महिमा या यत्ता इति महात्म्यम, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़ी महिमा जिसकी है उसे महात्म्य कहते हैं। भागवत के महात्म्य तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के, कौन कौन से? एक 6 अध्याय का महात्म्य है, एक 4 अध्याय का महात्म्य है, एक 31 श्लोक का महात्म्य है। 4 अध्याय का महात्म्य भागवत के 12वें स्कंद के पीछे लग रहा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत है। अच्छा, मजे की बात है, ये तीनों महात्म्य जो हैं, ये तीनों ही भागवत के अंदर नहीं है, भागवत से अलग है। क्यों? आप अपनी प्रशंसा कैसे करोगे? आपकी प्रशंसा तो कोई दूसरा करे तब अच्छा लगे, अपने मुंह अपनी ही प्रशंसा कर रहे हो। इसलिए भागवत की महिमा का गुणगान, स्कंद पुराण में भागवत की महिमा की कथा है, पद्म पुराण में भागवत की महिमा की कथा है, वराह पुराण में भागवत की महिमा की कथा है, अलग अलग पुराणों में भागवत की महिमा की कथा है। जिनको 1 महीने की भागवत श्रवण करनी हो, मैं आपको बताऊं, 4 स्कंद के महात्म में तो यहां तक लिखा है कि जिसके घर में भागवत का ग्रंथ नहीं है, रामायण का ग्रंथ नहीं है, वो घर वैष्णव का घर नहीं है।